हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार भारद्वाज एंड दिस इज पार्ट 25th ऑफ फॉक्सपोर ट्रेल सीरीज। सो गाइस, हम इस ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि हम कैसे किसी भी डेटाबेस फाइल या उस डेटाबेस फाइल के टेबल को डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे हम कोई भी डेटाबेस फाइल या टेबल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि उस डेटाबेस फाइल के फाइल को डिलीट करना है या उस डेटाबेस टेबल को डिलीट करना है, तो इसके लिए फॉक्सप्रो हमें दो प्रकार के कमांड्स प्रोवाइड कराता है। हम उसे इरेज या डिलीट फाइल कमांड के जरिए रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें इरेज कमांड के जरिए उस डेटाबेस फाइल को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इरेज देन फाइल का नाम, जिस भी डेटाबेस फाइल को डिलीट करना है विथ एक्सटेंशन, तो इरेज देन फाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन, ये लिखकर इंटर करेंगे तो वो उस डेटाबेस फाइल को परमानेंटली इरेज कर देगा, डिलीट कर देगा। वैसे ही अगर हम इसी काम को डिलीट फाइल देन फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन ये लिख करके भी उस डेटाबेस फाइल को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक emp1.dbf नाम का एक डेटाबेस फाइल है, हमें इसे रिमूव करना है, तो इसके लिए हम इरेज स्पेस emp1.dbf भी लिख सकते हैं या फिर डिलीट फाइल emp1.dbf भी लिख सकते हैं। इनमें से किसी भी कमांड का यूज़ करेंगे तो वो emp1.dbf वाले फाइल को डेटाबेस से रिमूव कर देगा। सो गाइस, हम देखते हैं कि कैसे हम emp.dbf फाइल को डेटाबेस से इरेज या डिलीट फाइल कमांड का यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ फॉक्सप्रो ओपन करते हैं, देन मैं आपको dir कमांड का यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारे पास अभी एक emp.dbf नाम का फाइल है जिसके अंदर टोटल अभी 5 रिकॉर्ड्स हैं। हमें इस emp1.dbf नाम के फाइल को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम यहाँ इरेज या फिर रिमूव फाइल किसी भी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इरेज देन डेटाबेस फाइल का नाम emp.dbf, ये लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं मैसेज के फॉर्म में कि दिस फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। तो emp1.dbf नाम का फाइल यहाँ से इरेज हो चुका है, डिलीट हो चुका है। हम यहाँ पर वापस से dir कमांड लगा कर देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जो एम्प्लॉय के ऊपर emp1.dbf का नाम का फाइल था वो यहाँ से अब हट चुका है। तो इस प्रकार हम किसी भी डेटाबेस टेबल या किसी भी प्रकार के डेटाबेस फाइल को इरेज या डिलीट फाइल कमांड का यूज़ करके उसके रिकॉर्ड्स और उसके टेबल को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।